हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो नो कॉन्टैक्ट। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है। लेट्स सी, हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर के लिए इस नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के लिए इनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज सेंड अ स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। इस नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज एंड जस्ट एन स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। इस नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस नो कॉन्टैक्ट में। थ्री ऑफ सोर्ड, हार्ट ब्रोकन है। इस नो कॉन्टैक्ट को आपके पर्सन ने दिल से लगाया हुआ है अपने। बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, अकेले हो गए हैं, खुद को अकेला कर लिया आपके पार्टनर ने। बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी है यहाँ पर, डीपली वो हर्ट हैं। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन हर्ट हैं, बेहद हर्ट हैं। थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एक पेनफुल एनर्जी में है आपके पर्सन, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में। क्या करना चाहिए उनको नहीं पता, खुद को अकेला कर लिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्टेंस बना लिया है, बहुत ज़्यादा खुद को अलोन कर लिया। एक एक सैड वाइब है उनकी, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अकेले हो चुके हैं। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर खुश नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं आपके पर्सन किसी और के साथ थर्ड पार्टी में, नहीं, ये पर्सन अकेला है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, एक डिप्रेशन, एक एन्जाइटी, एक सब कुछ खो देने का गम, सब कुछ ख़त्म हो जाने की तकलीफ इस पर्सन के अंदर है। ठीक है, ये पर्सन बेहद हर्ट है और कुछ सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हुआ है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आगे जाए कि पीछे आए, या अकेला बैठा रहे, किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से अपने गम डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे किसी को ये दर्द दिखाना भी नहीं चाहता कि कोई इसको इसको इसका वो दर्द देखे, इसको कितनी तकलीफ है अंदर से। ये सब कुछ नहीं बताना चाहता, साइलेंट हो चुका है ये पर्सन। ये चाह रहा है कि ये सब कुछ किसी को ना पता चले। ठीक है, अकेला है, इस दर्द से अकेले ही परेशान हो रहा है। आई डोंट नो इतनी सैड वाइब क्यों है आज आपके पार्टनर की। ये पर्सन खुद को बहुत अकेला आइसोलेट करके बैठ गया है। ना इसको किसी की सुननी है, ना इसको किसी से बात करनी है, ना इसको किसी से अब लेना देना है। ये ब्रेकअप आप लोगों के लिए, ये जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। ठीक है, इस पर्सन ने गलती की है पास्ट में ज़रूर, इसकी वजह से इतना हर्ट है। ठीक है, इसने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये अब बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेस में है। कुछ गलत करने के बाद आप स्ट्रेस में, अब हर्ट हो रहा है। जो गलत किया वो तो गया इसकी लाइफ से, जो सही था वो भी चला गया। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जी में नहीं है। आप इस पर्सन को याद ज़रूर करते हैं, लेकिन आप इसके लिए ब्लाइंड फोल्डेड हैं। ठीक है, आपको नहीं पता इस नो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर आपको उसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। आप मिस ज़रूर करते हैं, आपको बस ये याद आता है इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, इस पर्सन ने आपको समझा नहीं, इस पर्सन ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक बहुत रहा, इसने अपने ईगो से हमेशा आपको डील करा, इसका बिहेवियर आपके साथ रॉन्ग था, बस आपको ये पता है। लेकिन आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहे हैं और ये पर्सन किसी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से झेल रहा है, बेहद तकलीफ में, बेहद दर्द में है, अपने पेन को संभाल नहीं पा रहा, अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा खुद को अकेला कर लिया, किसी और से किसी फ्रेंड वगैरह से कनेक्ट भी नहीं हो रहा। ठीक है, एक विक्की, ये आपको देख रहे हैं, अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये पर्सन सोचता है कि आप इसको मिस नहीं करते, कि आप इसको याद नहीं करते, आप इसको याद करते हैं, लेकिन आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं। आपको नहीं पता जितनी बार ये आपको रिजेक्ट कर चुका है, जितना ये आपको ईगो दिखा चुका है, जितना ये आपको जैसे रुला चुका है, या जितना ये आप इसको ट्राई कर चुके हैं इसके साथ कनेक्ट होने की, उतनी बार यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिली है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ऐसे ही है, ये पर्सन अपनी ईगो के चलते हर चीज़ तबाह कर देगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते इस पर्सन की एनर्जी, क्योंकि ये इस तरीके से रहता है, इसके अंदर क्या चल रहा है, एक तूफान आया रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, इस नो कॉन्टेक्ट से ये खुद परेशान है। आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। ठीक है,
क्या पर्सन चाहते हैं आपके स्नो कॉन्टैक्ट में आपसे, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं स्नो कॉन्टैक्ट में, प्लीज आंसर स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाहते हैं स्नो कॉन्टैक्ट में, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, जजमेंट, सेकंड चांस। ये पर्सन चाहता है इस कनेक्शन में एक सेकंड चांस आए, ठीक है, ये पर्सन चाहता है एक न्यू बिगनिंग आए यहाँ पर। आप बिल्कुल, आप दोनों एक दूसरे से कोल्ड हो चुके हैं, एक दूसरे से आप दोनों ने मुंह फेर लिया है, आप इस तरफ देखें और ये पर्सन इस तरफ देख रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, इतनी शायद कभी भी नहीं हुई, इतना आप लोग के बीच डिस्टेंस कभी भी नहीं आया जो डिस्टेंस मैं अब देख पा रही हूँ। आप लोग अलग अलग रास्तों पे हो चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप बिल्कुल नहीं झुकने वाले, अब आप शायद ये आ भी जाए तो अब आप नहीं झुकेंगे, ठीक है। अब जो जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, अब आप बिल्कुल भी इसकी बात नहीं मानने वाले। ये डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, ये पर्सन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल करना चाहता है, ये आपको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन इसको कोई श्योरिटी नहीं है यहाँ पर आप इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। इसने सरेंडर कर दिया इस कनेक्शन को और डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएं। हैं तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। अब आपका दोनों का ईगो, अब आपका बिहेवियर एक दूसरे को मिरर कर रहा है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर बने हुए थे और ये पर्सन सिर्फ ले रहा था आपसे, सिर्फ ये सिचुएशन को मज़े लेता है और आप इस सिचुएशन में स्ट्रगल करते हुए आए। अब आपने यहाँ पर अपना अपने आप को चेंज कर लिया है, अब आप यहाँ पर अब आप बस ये सोचते हैं जो हुआ वो मैं डिज़र्व नहीं करती थी या करता था, अब मैं वो करूँगा जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में आए, जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में शामिल हो, ठीक है। तो ये पर्सन नो स्नो कॉन्टैक्ट में एक्शन लेगा आपकी तरफ कोई, प्लीज सेंटेंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई नो स्नो कॉन्टैक्ट में एक्शन लेने वाला है या नहीं, आपके पर्सन कोई नो कॉन्टैक्ट में स्नो कॉन्टैक्ट में एक्शन लेंगे या नहीं। फाइव ऑफ कप्स, नहीं, इमोशनली लॉस है, बेहद एक लॉस एनर्जी में है, इमोशनली बेहद हर्ट है, परेशान है, चाहता तो है कम्युनिकेशन करना ये पर्सन आपसे, इसकी विश है आपसे कम्युनिकेट हो, आपसे बात हो जाए, एक बार आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाहता है लेकिन बेहद ये परेशान है, ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुल चुका है इसके हाथ पैर। पास में इसने ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझा, इसमें देखेंगे ये लड़की जो है ना मिरर में एक अपने आप इसकी बंधी हुई है, अदरवाइज ये यहाँ पर खुली हुई है, ये अपने आप को समझ रही है स्टक है, लेकिन ये है नहीं, ये रिवर्स हो चुका है, ठीक है। ये इस पर्सन को समझ में आ रहा, अगर ये पास में चाहता तो अपने इल्यूजन से बाहर निकलकर आपकी तरफ ये एक्शन ले सकता था, लेकिन पास में इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ रिवर्स है, स्ट्रेंथ नहीं थी, ये आपको ये ऑफर नहीं दे सकता था, ये आपको ये मैसेज नहीं दे सकता था, ठीक है, क्योंकि आप लोग की कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, कुछ कार्मा आप लोगों का चल रहा था। देखें ये अपराइड है, वर्ल्ड का कार्ड अपराइड है, आप लोगों के बीच कुछ कार्मा ज़बरदस्त तरीके से प्ले आउट हुआ हुआ था, आप लोग किसी कार्मा में कनेक्ट थे, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में ही जा रहा है आपके पर्सन ना, ये पर्सन एक्शन क्या लेने वाला है, इस क्या ये कम्युनिकेशन करने के लिए कोई एक्शन लेगा मेरे व्यूवर्स से, नहीं, ये सोचेगा कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, ठीक है, ये पर्सन सोचेगा बिल्कुल। यहाँ पर ये पर्सन चाहेगा कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, आप इसको टेक्स्ट करें, आप इसको मैसेज कर लें, आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएं, आप किसी तरीके से इसके तरफ आ जाएं। ये पर्सन कोशिश ये करने वाला है कि आप इसको कोई मैसेज कॉल कर लें, ठीक है, आप इसकी तरफ किसी तरीके से आ जाएं। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव हो रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ बहुत सारी खुशियाँ देखना चाहता है अपनी ज़िंदगी की, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहा। अब मैं देखती हूँ स्नो कॉन्टैक्ट में क्या आप कोई एक्शन लेने वाले हैं, नहीं, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से स्नो कॉन्टैक्ट में क्या चाहते हैं। आप यहाँ पर अपनी पावर में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप अपनी यहाँ पावर में, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुद को बिजी कर चुके हैं, एट ऑफ पेंटिकल के साथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, आप मिस करते हैं, फीलिंग ऑफ लॉस है आपके पास, पास आप किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, आपने अपने काम में वर्क में खुद को बिजी कर लिया, ठीक है, यहाँ पर भी मिसिंग एनर्जी थी, यहाँ पर भी मिसिंग एनर्जी थी, लेकिन आप एक्शन लेने के मूड में नहीं है, आप अपनी पावर को इंजॉय कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में अपनी जो आप गेन कर रहे हैं, जो आप अबंडेंस इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ की, जो आपको डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रही है, आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप कोई एक्शन लेंगे अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ स्नो कॉन्टैक्ट में, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ कोई एक्शन लेंगे, नहीं, आप होल्ड बैक करने वाले हैं, आप बिल्कुल भी कोई एक्शन लेने नहीं वाले, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि
इक्वल गिव एंड टेक वाली न्यू बिगनिंग हो। सब यहाँ पर आप प्राइड है, आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेने वाले, आपको एक स्टेबल प्रैक्टिकल कोई न्यू बिगनिंग चाहिए, टेन ऑफ पेंटिकल। आप यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ पर सिर्फ आपको ही प्रोवाइड करना पड़े, उस जगह आप नहीं जाएंगे जहाँ सिर्फ आपको ही देना पड़े, ठीक है। ये आपने माइंड बना लिया है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ स्नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हर्ट है। आपके लिए फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की स्नो कॉन्टेक्ट में? ये पर्सन आपको एक स्टार की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, एट ऑफ कप, एट ऑफ वैंड्स के साथ आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत पैशनेट है और आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, आपसे मैरिज करना चाहता है। इसका माइंड में बस ये चल रहा है कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आपसे मैरिज करनी चाहिए। और अब यहाँ पर आप भी अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी को सीख कर रहे हैं। आप यहाँ पर कोई गेम या तो कोई यहाँ पर ऐसा कुछ भी वो नहीं करेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ये जब जब आपको देख रहा है आगे बढ़ते हुए, एक स्टार की तरह चमकते हुए, ये पर्सन सोच रहा है आप आगे की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये पर्सन अब आपकी तरफ आएगा और आप इससे भागेंगे। इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, ये बहुत कुछ पास में ख़राब कर चुका है। इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, इसने यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ी कर दी है। इसको इस बात का अंदाज़ा, इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं। एयर साइन हो सकता है ये, बस आपको एक स्टार की तरह एडमायर कर रहा है। ये आपको एक न्यू बिगनिंग करते हुए देख रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में हैप्पी होते हुए देख रहा है, लेकिन ये आपको अप्रोच करना चाहता है। एक होता है ना, जैसे एक टाइम बदल रहा है, ये एम्प्रेस और ये एम्परर है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन जब आपकी तरफ, उसको लग रहा है ये आपकी तरफ आपको चेस करेगा तो आप रन करेंगे। यहाँ पर ये पर्सन अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है, मेंटली स्टक हो चुका है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी बाजी इसके ऊपर उल्टी पड़ गई है। इसको नहीं पता था तकदीर में सिर्फ आप दिखे हैं, ये जिस जिसको चूज कर रहा है वो सब टेम्परेरी है। इसको नहीं पता था, इसको ऐसा लग रहा है इसके तकदीर ने क्या किया, इसके साथ एक पलटा खाया है। जो इसके पासे थे वो इसी की तरफ पलट दिए। हम चेस खेलते हैं ना, उसके अंदर एक पासे होते हैं, वो जो हम गेम खेलते हैं, तो वो सब चीज़ें जो इसी कर रहा था, जो इसने सोचा था, वो सब चेंज हो चुका है। सारी चीज़ें इसकी उल्टी हो गई हैं, ठीक है। मतलब कि जो ये आपके साथ कर रहा था, अब इसको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको आपकी तरफ मूव करता है तो आप इससे और दूर भागेंगे। बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि बहुत कुछ झूठ सच बोल चुका है ये आपके साथ। ये खुद अपने ही बनाई हुई चीज़ों में स्टक हो चुका है। इसको लगा था इसको आपकी तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा, ना इसको याद आएगी, ना इसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ये अपनी लाइफ में आगे की तरफ बिगनिंग करेगा, ठीक है। ये अभी ये सोच रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है यहाँ पर इस सिचुएशन में। फिलहाल बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन से जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ही परेशान है। एक ये पर्सन आपको अपनी पावर में देख रहा है, आप नहीं सुनेंगे इसकी। आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, अपने तरफ से आप एंड कर चुके हैं, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट है। आपने इस वजह से अपनी ज़िंदगी में आपने साथ जस्टिस करा है। आप वॉक अवे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में जस्टिस मिल सके। आप ये पर्सन जानता है आपका ड्रीम है एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ स्टाइल। आप कुछ भी नहीं चाहते, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। इस पर्सन को पता है इसने आपको रिजेक्ट किया था। इस पर्सन को पता है यहाँ पर चीज़ें जितनी भी डिस्टर्ब हुई हैं वो इस पर्सन की वजह से हुई हैं। ये आपको देखकर बहुत खुश है, लेकिन ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा, ठीक है। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है। अट्रैक्शन बेहद बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर पा रहा। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग चल रही है, डिवाइन यहाँ पर कुछ कर सकती है। अदरवाइज आप इस सिचुएशन से, इस पर्सन को पता है, वॉक अवे कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर नहीं ठहरने वाले, आप सिंगल हैं, यहाँ पर अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स के साथ अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं आप। इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ ये आपको देख रहा है, आप बदल गए, आपका वक्त बदल गया, आपने खुद को बदल दिया, अपनी अपनी ज़िंदगी के हर फेस को चेंज करके रख दिया। कहाँ आप एक डरपोक से इंसान थे जो इमोशंस में डूबे रहते थे, आप इतने कॉन्फिडेंट और इतनी लाइट में लग रहे हैं अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये क्या हो गया, ठीक है। इसने नहीं सोचा था आप इस तरीके के पर्सन हैं। इस पर्सन को पता है आप इससे दूर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ये पर्सन चाहता है ये रिश्ता कामोटर की तरफ मूव करे, ठीक है।
यहाँ पे आप दोनों के बीच एक वेट एंड हो जाए। बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसको क्या करना चाहिए, स्टॉकिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है कि अगर ये आपको स्टेबिलिटी देता दे देता तो चीज़ें बदली भी होती। यहाँ पे लवर के साथ हर चीज़ चेंज हो गई। इस पर्सन को च्वाइसेस मिली थी, ये आपसे रिजिस्ट हो गया, इसने आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से दूर कर दिया, किसी और को चूज़ किया, अपनी लाइफ की लाइट खुद ख़त्म करी, हर चीज़ ख़त्म कर दी, 10 ऑफ सोर्ड के साथ एंड हो गया सब कुछ। जबकि आपको नॉलेज थी इस चीज़ की कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आप इसको समझा रहे थे, आपने सोचा था कि नई न्यू बिगनिंग मत करो, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ मत करो, आपने बेहद इंतज़ार करा, बर्डन सम सिचुएशन में रहे, आपकी भी एंड हुई, आपने बर्डन अपने ऊपर से उतार दिया, ठीक है। आप कुछ अर्सा पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनली आप हर्ट रहे, उसके बाद अपने आपने हर्ट ऐसे ही ख़त्म करे, चीज़ों को अपने अपने हाथों से बाहर निकाल दिया, इस कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी से आपको ख़त्म करके सुकून मिला है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको पीस नहीं मिल रहा था, ये कनेक्शन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे रहा था, ठीक है। यस, नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूवर के पर्सन कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर की तरफ, प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं। स्लीपलेस नाइट में ये इस पर्सन को हील होना पड़ेगा, इस पर्सन को यहाँ पर इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए पहले खुद को इस पर्सन को यहाँ पर कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, फिर आपकी तरफ आना पड़ेगा। आ पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं आप लोग के इश्यूज जो भी हैं, ठीक है। कैंसर हो सकता है ये पर्सन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, इस पर्सन को यहाँ पर कुछ रिलीज करना है और आपको भी रिलीज करना है। आप सोचें आपको क्या रिलीज करना है, नेगेटिविटी रिलीज करें, ठीक है। आ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, ठीक है, कोई न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन हो रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस आ रहा है। लिब्रा, जो बैलेंस नहीं था वो बैलेंस आप लोगों की जिंदगी में वापस आएगा, ये कोई मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि इस वक्त इस स्टोरी में ऐसा लग रहा है सब कुछ दी एंड हो चुका है। यहाँ पे कोई मिरेकल होगा या डिवाइन इंटरवेंशन होगा, यहाँ कुछ ऐसा होगा, ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ गैदर करेगा और आपको कोई अप्रोच करेगा, आपको कोई प्रपोजल देगा या अप्रोच करेगा या आपके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत इंतज़ार किया, ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत इंतज़ार करने के बाद आया, आपने इस रिश्ते से केयर फ्री अपने आप को बहुत अरसे बाद जाकर किया, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यहाँ पे आपको जो रिलीज करनी है वो नेगेटिविटी अभी जो दिख रहा है आप उसको मत सोचें, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आप लोगों ने इस पर्सन का इस रिश्ते का आप दोनों ने एक नेगेटिव परसेप्शन बना लिया है, आपको यहाँ पर इस ये कंफर्ट जोन बन गया है, यहाँ पर नेगेटिव परसेप्शन कि इधर कुछ नहीं हो सकता, इधर यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, उधर से आप स्टेप आउट करें, ठीक है। अब ये आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, इस रिश्ते में बहुत कुछ हो सकता है, पॉजिटिव ये रिश्ता है, लेकिन अगर आप सोचें तो, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको यहाँ पर बैलेंस लाना है, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आप अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, चीज़ें आपके फेवर में टर्न होंगी, आप यहाँ पे डिवाइन आपको श्योरिटी दे रही है। आ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, आप लोग की लाइफ में कोई रोमांटिक साइकिल न्यू बिगिन होने वाली है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, यू आर गुड इनफ, यहाँ पर आप लोग को अपने आप में अपनी जात में अकेले अकेले बैलेंस लाना है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपके पर्सन को कहा जा रहा है अगर ये फर्स्ट मूव लेते हैं, डिवाइन आपके अंदर वो गुंजाइश डाल देगा कि आप इस पर्सन को फॉरगिव कर सकें, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकें। स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन, लिब्रा हो सकता है, वर्गो हो सकता है, कैंसीडियन हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, ये साइंस आप लोगों के हो सकते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बिल्कुल डिवाइन बार बार इस पर्सन को यहाँ पर बैक ऑफ द स्टोरी एक स्ट्रेंथ दे रहा है कि इधर एक फर्स्ट मूव लो, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए लीप ऑफ फेथ लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, यहाँ पर न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकती है। पास्ट की साइकिल क्लोज ही होनी थी जिसकी वजह से आप लोग एक डिस्टेंस पे आए, जितना नेगेटिव पास्ट था उसके बाद एक सेपरेशन आना बनता था, आप लोग का अलग अलग अपने रास्तों पे चलना बनता था, फिर यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी, फिर एक न्यू चैप्टर शुरू होने के लिए आप लोगों को कुछ टाइम तक अपने अपने जोन में जाना था, ठीक है। वो डिवाइन आप लोगों को समझाना चाह रहा है, तो ये सब चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी, डिवाइन आपके पर्सन को पुश कर रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, और ये होगा इन फ्यूचर, ठीक है। कोई मिरेकल होगा जब आप सोचेंगे कि ये पर्सन नहीं आने वाला, उसी वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री देगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।